तो जोधपुर के फलौदी से ये खबर है। फलौदी के मोक्षधाम में अल सुबह खून ही खून नजर आया। शहर के अलग अलग अफवाहों के साथ भय का माहौल शहर भर में नजर आया। यहाँ पर देर रात तांत्रिक प्रक्रिया की आशंका जताई जा रही है। एक मृत मछली, सुहागन का श्रृंगार सहित शराब की बोतलें, पुतला और बिखरा हुआ खून मिला। मोक्षधाम के चौतरफा खून की धार से परिक्रमा लगाई गई थी, ऐसा प्रतीत इन तस्वीरों को देखकर हो रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में पूरे शहर भर में इस चीज की वजह से जो अफवाहें थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। लोग काफी ज्यादा परेशान इस चीज को लेकर हो गए, डर गए, सहम गए। लेकिन इसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंची और इन तस्वीरों को जब वहां पर देखा गया तो एक बारगी के लिए पुलिस भी इस चीज को देखकर डर गई। एक मृत मछली, चारों तरफ खून की धार जिसमें लग रहा था कि खून के जरिए किसी ने परिक्रमा इस मोक्षधाम की हो, उसके बाद में तांत्रिक क्रियाओं का एक तरीके का पूरा अनुष्ठान लग रहा था। शहर में अफवाहें इसके बाद में के बाद एक फैलती गई। पूरी जानकारी के साथ में फलौदी से हमारे स्थानीय सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ चुके हमारे साथ। राजेश, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में डराने वाली है क्योंकि इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं शहर में अफवाहों को बल भी दे रही थी। क्या पूरी जानकारी पुलिस इसको लेकर दे रही है अभी? जी जयंती, मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर फलौदी के कांग्रेस के युवा नेता है महेश व्यास, उनको सबसे पहले उनकी इसकी जानकारी मिली थी और उन्होंने फलौदी पुलिस को सूचना दी और मौके पे पुलिस भी पहुंची और उन्होंने जांच प्रक्रिया शुरू किया। और ये देर रात का मामला बताया जा रहा है, कुछ तांत्रिकों का मामला बताया जा रहा है जो मोक्षधाम में इन्होंने ये प्रक्रिया की थी। शराब की बोतलें, मरी हुई मछली और अन्य श्रृंगार की सामग्रियां वगैरह वहां पर फेंकी थी और पूरे शमशान घाट में खून से उन्होंने नालियां निकली थी और अभी पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। राजेश, मेरा सवाल ये भी रहा आपसे कि जिस तरह से वहां पर ये लोगों ने देखा, सबसे पहले किसने वहां पर देखा, पुलिस को सूचित किया या फिर जो रात में वहां पर तांत्रिक था उसके साथ में कुछ लोग भी मौजूद थे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, इस तांत्रिक मामले में करीब 15 से 20 लोगों को बताया जा रहा है और इस मामले को सबसे पहले कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास ने देखा था और उन्होंने फलौदी पुलिस को सूचना दी थी और वो भी वो मौके पर साथ में खड़े थे और जांच करवा रहे थे। आसपास कोई इस तरह का सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये घटना कैद हुई हो? नहीं, इससे थोड़ा दूर दूर की साइड में कैमरे लगे हुए हैं स्कूल के पास, लेकिन उसको पुलिस खंगाल रही है कैमरों को और पता लगा रही है कि इस मामले में कौन कौन संलिप्त है। चल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।